Subscribe to the Technology Fest channel and press the bell icon for the updates. Hello everyone, welcome to the Technology Fest. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके ATM में किसी तरह से पैसे फंस जाते हैं, अगर आप सारी प्रोसेसिंग कर लेते हैं उसके बाद भी आपके जो पैसे हैं वो ATM से बाहर नहीं निकलते तो उसका सोल्यूशन क्या है। यही सेम सीन मेरे साथ दो दिन पहले हुआ था। मेरे पास SBI का ATM कार्ड था और मैं HDFC बैंक के ATM में जा के पैसे निकाल रहा था। तब मैंने वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग कर दी, अमाउंट भी डाल दिया, उसके बाद पिन भी डाल दिया, उसके बाद जो पैसे गिनने की आवाज़ होती है वो भी ATM से बाहर आ चुकी थी, पर उसके बाद उसमें लिखा गया वी आर अनेबल टू प्रोसीड योर रिक्वेस्ट। और तभी मेरे फ़ोन में SMS भी आ गया कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। अगर आपके साथ भी सेम यही सीन हुआ है तो आपको इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पैसे कटने के तुरंत बाद SBI के कस्टमर केयर पे फ़ोन मिलाया। SBI का जो कस्टमर केयर है उसका नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जितने भी बैंक हैं हमारे, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस, सिंडिकेट बैंक, सभी का कस्टमर केयर नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में से नंबर देख सकते हैं। उसके बाद कस्टमर केयर वालों ने मुझे बताया कि हमारा जितना भी अमाउंट था जो हमारे ATM से कटा हुआ है वो वापस हमारे बैंक में रिवर्ट कर दिया गया है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, अगर हम कस्टमर केयर पे फ़ोन नहीं भी मिलाएंगे तो भी हमारा जो अमाउंट है वो वापस हमारे अकाउंट में रिवर्ट कर दिया जाता है। कस्टमर केयर वालों ने बताया कि हमारा जितना भी अमाउंट है वो 24 से 48 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में रिवर्ट कर दिया जाएगा। 24 से 48 घंटे तो कहने की बात है, 1 से 2 घंटे में ही हमारा जो अमाउंट है वो वापस बैंक में आ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।